वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले तो मैं इसका हिस्ट्री बताऊंगा। इसका हिस्ट्री जाता है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में। तो लेट अस अंडरस्टैंड, पहले तो हिस्ट्री जो इधर नहीं दिया है वो मैं बताता हूँ। नाउ जो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ, तो इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल, अमेरिका के सॉइल में नहीं लड़ा गया। तो अमेरिका वॉज हेल्दी देखा जाए तो। ब्रिटेन बर्बाद हो गया था, जर्मनी बर्बाद हो गया था। तो उस समय तीन संस्थाओं का गठन करने का डिस्कस किया गया। वो तीन संस्था में पहला था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसका एक्चुअल में जो है ना रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो बैंक था, एक IMF और एक WTO, जिसमें से वर्ल्ड बैंक शुरू हुआ, IMF शुरू हुआ और WTO के बजाय एक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये ट्रेड के लिए था, ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए था। फॉरेन एक्सचेंज, पाकिस्तान अभी किसके पास जा रहा है? IMF के पास जा रहा है ना, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का लोन देता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रीबिल्डिंग के लिए देता है। सो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक का नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये नाम लगभग कोई नहीं जानता, सब क्या नाम जानते हैं? वर्ल्ड बैंक। कल का न्यूज, इसका जो सी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है ना, वो नॉर्मली अमेरिका अपॉइंट करता है। IMF का प्रेसिडेंट नॉर्मली यूरोप अपॉइंट करता है। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट कल, जो अमेरिका ने अभी सपोर्ट दिया है, जो बनने वाला है, ही इज ऑल्सो एन इंडियन, इंडियन अमेरिकन, ठीक है। सो जो वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर कंट्रीज है? 189। इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, मेंबरशिप चाहिए तुमको, 5 साल का टाइम लगता है, और तुम वर्ल्ड बैंक के मेंबर हो तो तुम ऑटोमेटिक किसके मेंबर बन जाओगे? IMF के मेंबर। अब जब वर्ल्ड बैंक अलग अलग काम करता है, उसका फिनेंस कॉरपोरेशन है, गारंटी एजेंसी है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, ठीक है। सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड्स डेट फिनेंसिंग टू गवर्नमेंट दैट आर कंसिडर्ड मिडिल इनकम। इंडिया, इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 है, लेकिन 25-30 साल पहले इंडिया कहाँ था? कहीं नहीं। तो हम लोग को रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती थी, हम कहाँ जाते थे बार बार? वर्ल्ड बैंक। आज हम नहीं जाते, हम खुद के दम पर सब कर रहे हैं। अभी हम कर्जा कहाँ जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक में? रिसेंटली मैंने कोई भी न्यूज सुना नहीं कि इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। और वैसे भी अपना बजट 45 लाख है, उसका तो 10 लाख अपना इंटरेस्ट पे जाता है। साल का 10 लाख करोड़ हम इंटरेस्ट भरते हैं सिर्फ, जो हमने पिछले गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है। सो 10 लाख करोड़ इज द एनुअल इंटरेस्ट विच इंडिया हैव टू पे, ठीक है। तो नया इसलिए लोन लेने का मतलब नहीं होता। एक अच्छी बात ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देता है। सो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। यदि रिलायंस ने अप्रोच किया और प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और देश हित के लिए है, तो वो लोग देंगे। उन लोग का प्राइमरी मोटिव इज क्या? इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब के लिए देंगे। कंपनी शुरू करने के लिए दे विल से नो। तुम बोलोगे खरीदी बिक्री देविल से हमारे पास मत आओ, WTO के पास जाओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तुम बोलोगे फॉरेन एक्सचेंज लोन चाहिए, वो लोग बोलेंगे हमारे पास मत जाओ, IMF के पास जाओ। आया समझ में? अभी ना जैसे ये एसोसिएशन है, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे एसोसिएशन है। तुमने नेफ्टा सुना है? नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको के बीच में। एक सेफ्टा है, साउथ अमेरिका का। एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इंडिया, एशिया में सार्क सुना होगा ना, सार्क। बट ये सब छोटे छोटे पॉकेट्स वाले संस्था है। वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड का एक बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अकेला संस्था है। और वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए चाइना इंडिया के साथ मिलके एक और बैंक ओपन करने का सोच रहा है, सोच रहा था, लेकिन अभी इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर वो बैंक खुलेगा नहीं। नहीं तो चाइना वर्ल्ड बैंक को भी टक्कर देने का सोच रहा था। तो
वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड 1944, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, मैंने बोला ना तीन संस्थाओं का सोचा था विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, साफ है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन चुनता है? अमेरिकन। तुम बोलोगे इंडियन नहीं, वो जो बोलते ना इतना प्रथा चला आ रहा है तो नॉर्मली अमेरिकन ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का हेड भी है इज एन इंडियन अमेरिकन, तो अमेरिका में रहता। सो टेम्परेरी लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज, जो उनको कमर्शियली लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है मिडिल और पुअर इनकम कंट्रीज, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये अलग अलग देश का हिस्सा रहता है, फिर उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एडवाइजरी कमिटी है, लोन कमिटी है, ठीक है। फिर द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर, ये पूरा लिस्ट दिया, तुमको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचो कि चलाता कौन है वर्ल्ड बैंक को? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और फिर उसमें टीम अलग अलग छोटा छोटा बनते जाएगा। गोल, द वर्ल्ड बैंक हैज सेट टू गोल बाय टू बी अचीव्ड बाय 2030, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन, कितना 1.90 डॉलर, मतलब कितना हुआ, 150 रुपये हुआ, 3% ही लोग वर्ल्ड के गरीब रहने चाहिए, और जो अमीरी है बॉटम 40% तक बांटो। तो वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है, पाकिस्तान अभी जाएगा उसको सब मना कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पेट्रोल के लिए कर्जा चाहिए, पेट्रोल का जो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर्स में पेमेंट होता है, पेट्रोल का पेमेंट तुम कोई भी देश से लो, पेमेंट किस में होगा? डॉलर से होगा, तो ये सब उसको डॉलर्स की जरूरत है अभी पाकिस्तान को। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता है वर्ल्ड बैंक का? 2%, 2% पे वो लोग ब्याज देते हैं, तो बहुत अच्छा है ना। और जापान ने बुलेट ट्रेन का अपने को 0.1%, मतलब एक प्रकार का फुकट का विदाउट इंटरेस्ट दिया है, 1,10,000 करोड़ जो है ना बुलेट ट्रेन का अपन नहीं खर्चा कर रहे, जापान खर्चा कर रहा है, और उसका लैंड एक्विजिशन भी हो गया पूरा, अभी कंस्ट्रक्शन जोरों में चलेगा, 2026 तक तुम बुलेट पहला बुलेट ट्रेन इंडिया में देख लोगे। सो एडुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका मेन फोकस एरिया रहता है। अभी थोड़ा कोविड की वजह से एडुकेशन हेल्थ पे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर को फाइनेंस विद गवर्नमेंट, फिर ये लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ये सब का सर्विस देते हैं। इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, वर्ल्ड बैंक ऑफर्स सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, बार बार डेवलपिंग क्यों बोल रहे हैं? तुम अमेरिका के बारे में सोचोगे, अच्छा और इंडिया का भी रोल क्यों है? अपना तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, अभी जाओ पहले फिंगर आधार कार्ड दिखाओ, अभी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उन्होंने शुरू कर दिया, आज से 1-2 साल बाद ये जो हैंड है ना वो लगभग बंद हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडिया ऑलरेडी यूज कर रहा है। तुमको पता है फेशियल रिकॉग्निशन कैसे यूज करता है टेक्नोलॉजी, किसी को आइडिया? आयरिस तो नहीं पूरा, बट तुम्हारे दो आंख के बीच का जो स्पेस, यहां से यहां तक का स्पेस, तुम्हारे कान, तुम्हारे ये जो बोन है ना, ये बोन, तो ये सब चेक के एल्गोरिदम में कन्वर्ट करता है, तो उसको मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन टाइप है। तो अभी तिरुपति बालाजी में कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे डबल टाइम ऐसा, तो इससे मिसयूज हो ही नहीं पाएगा, तो ये सब टेक्नोलॉजी विल कॉस्ट यू क्रोर्स ऑफ रुपीज, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए अमेरिका ये सबको वर्ल्ड बैंक की कर्जे की जरूरत नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया ने भी बहुत ले लिया, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग से किस तरफ जा रहा है? डेवलप जा रहा था 25, 30, 40 साल पहले, इंडिया को बहुत जरूरत था, इंडिया के पास नेटवर्क ही नहीं था। अभी अपन टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ देश से बहुत आगे है, मैंने बताया था ना तुम्हारा कोविन ऐप, कोविड लगाया कि नहीं अमेरिका में कागज दिखाओ, यहाँ पे तुम्हारा फोन में ही अपना हो जाता है, अपना जो यूपीआई सिस्टम है अमेरिका अडॉप्ट करेगा भविष्य में, गूगल पे कहाँ है अमेरिका में, गूगल ने रिकमेंड किया अमेरिकन गवर्नमेंट को अडॉप्ट करो, और अभी अपने जो रुपए जो ना यूपीआई वो नेपाल में लागू हो गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो इंडियन करेंसी में था पिछले हफ्ते, डॉलर्स और ये डिरम्स में लागू हो गया है। सो नाउ तुम दुबई में यूपीआई से भी पेमेंट कर पाओगे, जो 2018 में नहीं था जब मैं गया था, यूपीआई सिस्टम में नहीं पेमेंट, तुमको डॉलर्स या डिरम्स में पे करना है, दुबई में तो डॉलर से डिरम, ज्यादातर तो डिरम्स में ही वो लोग पेमेंट लेंगे। पेपैल अमेरिकन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है पेपैल इस, और पेपैल का एक दिक्कत है, पेपैल जब तुझे
सपोजिटली तू मुझे पेपैल से भेज रहा है 100 रुपया, तो मेरे को 100 रुपया नहीं मिलेगा भाई। पेपैल 96 रुपीज मुझे देगा, 4% काटता है पेपैल, पेटीएम नहीं काटता, पेपैल काटता है। और वेस्टर्न यूनियन है ना, सुना है वेस्टर्न यूनियन जो फॉरेन से इंडिया में पैसा आता है, तुमने मुझे अच्छा पेपैल और वेस्टर्न यूनियन का फर्क बता दो। पेपैल में मेरा 4 रुपया कटेगा, वेस्टर्न यूनियन 100 रुपया प्लस तेरे को वेस्टर्न यूनियन को 2 रुपया देना पड़ेगा। तो तू अमेरिका में उनको 2 रुपया देगा और फिर मुझे 100 रुपया देगा, तो मुझे 100 रुपया मिलेगा। तो पेपैल इंडिया में है लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज्यादा है पेपैल। क्यों ज्यादा? क्योंकि वो सिर्फ ईमेल से काम करता है, ईमेल टू ईमेल पैसा ट्रांसफर करता है। तुम्हारा ईमेल लिंक्ड होगा ना विद द बैंक, तो उसके थ्रू, और तेरे खाते पेपैल में पैसा आ गया ना, वो तेरे पेपैल में रहेगा ही नहीं, 12 रात को 12 बजे वो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर होता है। पेटीएम में पैसा पड़ा रहता है ना, पेपैल में पैसा पड़ा नहीं रहता, वो ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए पेपैल सक्सेसफुल नहीं है इतना इंडिया में, चार्जेस उसके हैवी है। ओके, सो इनोवेशन कहाँ था? इनोवेशन नॉलेज शेयरिंग। अभी कितने साल हो गए वर्ल्ड बैंक को 1944 के बाद? करीबन 70-80 साल हो गए। उनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस है, एडुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग गवर्नमेंट के काम। अच्छा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डैम्स किसके पास है? 98,000 डैम्स है। तो उनको अभी वर्ल्ड बैंक के पास जबरदस्त अनुभव है। तो इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, मैं कल ये देख रहा था, वो चेरनोबिल किसी ने देखा है? नहीं, वो मूवी देखा मैंने, नॉट द सीरीज। तो बनाते समय ही गलती कर दिया था इन्होंने, चेरनोबिल का जो है ना, जो न्यूक्लियर वेस्ट है ना चेरनोबिल में, हटाने को कितने साल लगेंगे? हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर द पीपल टू रिटर्न टू दैट प्लेस? वो न्यूक्लियर वेस्ट क्लियर हो जाएगा, इट विल टेक 20,000 ईयर्स, 20,000 साल तक इंसान वहां नहीं रह पाए। सो बनाते समय ही गलती। तो वो गलती के बाद जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स बने, सेफ्टी पैरामीटर्स, तो ये लोग नॉलेज शेयर करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। इट ऑल्सो कोलेबरेट विद पार्टनर्स ऑन मेनी डेवलपिंग इश्यूज। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी बोलते हैं ना, जो पॉवर्टी हटाना है एडुकेशन के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट, अभी नेक्स्ट यूपी के गवर्नमेंट का कल परसों बजट आया, वो लोग आई थिंक कुछ लैपटॉप्स और ये सब बांटने वाले हैं, ठीक है, यंग बच्चों को। आई थिंक वो फेयर आइडिया है। एक अपना आकाश टैबलेट बिल्ड किया था इंडिया ने, वो पूरी तरीके से फ्लॉप गया। 4,000 रुपये में दे रहे थे, 4,000-5,000 में दे रहे थे, नहीं सक्सेस गया। ये तो मेरे को लगा था बहुत अच्छा है, टीचिंग नेक्स्ट जनरेशन लाइक एवरीबडी। मैं देख रहा हूँ 4 से 5 साल बाद हर एक के पास एक टैबलेट होगा और पीडीएफ होगा, जो अमेरिका में, हम अमेरिका से 5-10 साल पीछे चल रहे हैं, वो लोग अपने से बहुत आगे हैं, ठीक है। सो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो जरूरत है, गरीबी हटाना हो, वर्ल्ड बैंक रिकॉग्नाइजेस। मैं तुमको एक और बताता हूँ, मैं वो दिन, एक मेरे पुराने एड्रेस में एक लेटर आया था, ठीक है, वो मैं रिसीव, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू न्यू प्लेस फ्यू ईयर्स बैक, तो बट मुझे SMS आ गया, तो आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस की दे दो। उन्होंने बोला नहीं, वहां से रिटर्न आया, मुझे लेटर दिखाया, बट वी कैन नॉट गिव इट टू यू। मैंने बोला मैं तो आ गया हूँ, दे सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, कंप्यूटर में हमने फीड कर दिया तो वापिस जाएगा। मैंने बोला उसको रिवर्स कर दो। उसने बोला हमारे सिस्टम में रिवर्स नहीं होता। मैंने बोला इंडिया 2023 चल रहा है सर, बस एक ये रिवर्स करने में एक क्लिक लगता है। हाँ, हम आपका ये सबमिट करेंगे। मतलब कोई बात नहीं, 2040 तक आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए। अरे इंडिया, और वही यूपीएस जो काम करता है ना, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, देखा है? वो लेजर बीम से स्कैन करता है, अलग 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 जगह डालता है। वो लोग अपने से 100 साल आगे हैं, उनका खुद का प्लेन है। अमेजन भी खुद का प्लेन, जहां तक मुझे लगता है, शायद इंडिया में यूज करना शुरू कर रहा है। सो इंडिया को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने पोस्टल वाले अभी भी साइकिल में जाते हैं, अभी भी एड्रेस नहीं तो वापस फोन कॉल्स, या बोलते ना SMS आता है तुमको, लेकिन कितने सारे ड्रॉबैक्स उसमें अभी भी है। तो ये लोग नए नए इनोवेशन इसमें सपोर्ट देते हैं, नॉलेज, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट्स, क्लाइंट कंट्रीज के लिए लोग काम करते हैं, सोशल डेवलपमेंट। सीधी बात है, जब तुम नया प्रोजेक्ट, अच्छा बिहार को उन्होंने कुछ 1,000 करोड़ 25-30 साल पहले दिया था, अब वो 1,000 करोड़ यूज कैसे होता है? रास्ते तो बनेंगे लेकिन लोगों को काम मिलेगा, उनको पगार मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा,
कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, उसके एम्प्लॉयज, फिर तुम्हारा पोल्यूशन कम होगा, गाड़ी ठीक से चलेगी, डैमेज कम होगी, ये सब चीजें हैं। तो सोशल डेवलपमेंट होता ही है। तो वर्ल्ड बैंक अच्छा हेल्प किया इंडिया को, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक से इंडिया कर्जा कम ले रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का कर्जा बहुत है और इंडिया अभी वर्ल्ड नंबर 5 रिचेस्ट इकोनॉमी में है, तो अपन खुद से सक्षम है। तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में। ओके, कुछ क्वेश्चन है किसी को? यस, क्वेश्चन। ओके, वर्ल्ड बैंक के जो 185-190 कंट्रीज है, सबने अपना एक फंड पूल किया है, वो फंड बन के वर्ल्ड बैंक का पूल बनता है, और तेरा जो फंड है वर्ल्ड बैंक में उसके हिसाब से तुझे कर्जा मिलता है। वो पूलिंग ऑफ फंड, हर देश ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। इंडिया टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड बैंक के फंड। नो, इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी सपोर्ट ऑफ कंट्रीज। इंडिविजुअल्स का मुझे नहीं लगता कोई काम। इंडिविजुअल्स रन दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप, एज इंडिविजुअल, बट सिर्फ कंट्रीज उसके मेंबर हो सकते। और जहां तक मेरा नॉलेज है, उसके मीटिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, वो इतना टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। अभी G20 होने वाला है इंडिया में, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आने वाले हैं सब देश के, 20 देश के, ठीक है? आई थिंक पाकिस्तान नहीं है उसमें, ठीक है? और चाइना है कि नहीं मुझे पता, चाइना है शायद G20 में, करेक्ट? सो ये था वर्ल्ड बैंक। और कोई क्वेश्चन है किसी को? इफ नो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और चैप्टर खत्म होता है।